दूसरा हमारा डिमांड है, अगर नीतीश सरकार अपनी सत्ता और अपना कुर्सी बचाना चाहती तो उसको 2022 में ये सातवां चरण कंप्लीट करना हो, चाहे उसके लिए उनको जो करना पड़े सब ठीक है। नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप, मैं हूँ आपके साथ रश्मि। हाथ में तिरंगा लिए रहमान और ताबड़तोड़ चली एडीएम की लाठी, ये वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। और इतना ही नहीं, इस वीडियो को लेकर अब एडीएम के ऊपर जांच बैठाने की जो बात है वो भी कही जा रही है। लेकिन इस बीच हम आपको रहमान का वो बयान सुनवाएंगे कि किस तरह से उसने एक बार फिर से महागठबंधन की सरकार पर हमला बोला है। आपको बताएं कि बिहार में इस वक्त शिक्षक नियोजन के सातवें चरण में बहाली को लेकर जो अभ्यर्थी हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं। कल की तस्वीर हमने राजधानी पटना की देखी, जहां पर लाठीचार्ज जो है वो प्रशासन की तरफ से किया गया। और रहमान की बात करें तो रहमान पर एडीएम ने जो है वो लाठियां बरसाई, जिसके बाद अब कार्रवाई की भी बात कही जा रही है। लेकिन इस बीच रहमान का जो है बयान सामने आया है, जिसमें रहमान ने ये साफ तौर से बता दिया है कि सरकार को सिर्फ और सिर्फ 5 दिन का समय देते हैं, 5 दिन के भीतर भीतर हमारी मांग को अगर पूरा नहीं किया गया तो ये प्रदर्शन और भी ज्यादा उग्र हो जाएगा। सुनवाते हैं आपको रहमान का ये पूरा बयान। बोलिए ना, इतना बोलना चाहते हैं। पहला मेरा डिमांड ये है कि तिरंगे का जो अपमान हुआ है वो हम जिंदगी भर बर्दाश्त नहीं करेंगे। दूसरा हमारा डिमांड है, अगर नीतीश सरकार अपनी सत्ता और अपना कुर्सी बचाना चाहती तो उसको 2022 में ये सातवां चरण कंप्लीट करना हो, चाहे उसके लिए उनको जो करना पड़े सब ठीक है। प्राथमिक विज्ञप्ति 6/1/5, 6/8 उनको जारी करना है। हमारा पहला मांग ये है कि आप संपूर्ण बहाली का नोटिफिकेशन इस 5 दिन का अल्टीमेटम हम दिए, नहीं तो ईंट से ईंट बजाने का मैं काम करता हूँ। हम शहीद होने के लिए तैयार हैं इस बार, समझ गए। हमारे तिरंगे को जिस तरह इन्होंने अपमानित किया है, ठीक है, ये हिटलर चाही, और हमारे देश के शान को जिस तरह इन्होंने ललायित किया है, हम उसका पुरजोर विरोध करते हैं। मरते दम तक हम नीतीश सरकार से इसका जवाब लेंगे, मगर उसके साथ हमारे तिरंगे के सम्मान के साथ आज से 5 दिन का मैं अल्टीमेटम देता हूं, अगर नहीं दी तो ईंट से ईंट बजा दिया जाएगा। हम शहीद होने के लिए तैयार हैं। आप घायल कैसे हुए हैं? घायल कैसे हुए आप? वो आपके वीडियो पे वायरल है, उसे मैं डिस्कस नहीं करना चाहता, ठीक है। बस किसी बात पुलिस लाठी चार्ज में घायल हुए हैं आप? किसी के वो आपके वीडियो पे वायरल है, ठीक है। खान सर थे, उन्होंने हमें मारा, वो बर्दाश्त मैं कर सकता हूँ, मेरे बाप माँ बर्दाश्त कर सकते हैं, मगर हम जो हुब्बुल वतन की बात करते हैं, हमारा ये आन और बान और शान तिरंगा है, जो कहा जाता है कि मैं अपने हर तराने में हमेशा गाऊंगा तुझको, कसम है तिरंगे तेरी, लिपट कर आऊँगा तुझ में या फिर फहराऊँगा तुझको। मैंने उस वक्त भी कहा था, दरिया अब तेरी खैर नहीं, क्या बूंदों ने बगावत कर दी है, नादा न समझ बुजदिल इनको, लहरों ने बगावत कर दी है, हम परवाने हैं मौत तवा, मरने का किसको खौफ यहाँ, रे तलवार तुझे झुकना होगा, क्योंकि गर्दन ने बगावत कर दी है, तलवारों से तुम काटोगे ना तो तुमको झुकना पड़ेगा। डिमांड क्या है आपका? डिमांड हमारा एक ही डिमांड है कि आप प्राथमिक विज्ञप्ति संपूर्ण बहाली नोटिफिकेशन 5 दिन के अंदर सातवां चरण 1/5, 6/8 जारी करें किसी भी हाल में, और 2022 तक अंतिम 22 तक आपको बहाली कर देना है किसी भी हाल में, नहीं तो सत्ता छोड़ना पड़ेगा चाहे जो। तो बता दें आपको कि बिहार में सातवें चरण के शिक्षक बहाली की प्रक्रिया को लेकर जो प्रदर्शन हो रहा है, इसे लेकर रहमान की अगर हम बात करें तो वो दरभंगा का रहने वाला है, और पटना में कल जिस तरह से लाठीचार्ज हुआ इसके बाद रहमान रात की गाड़ी से दरभंगा पहुंचा, और दरभंगा में मीडिया से बातचीत करने के दौरान, न्यूज़ फॉर नेशन से बातचीत के दौरान रहमान ने ये साफ कर दिया है कि सरकार को हमारी इस मांग को पूरी करनी ही होगी। तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार मिलकर जो वादा कर रहे हैं, ये वादा पूरा करने का समय अब आ गया है। फिलहाल के लिए इतना ही, ज्यादा अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए न्यूज़ फॉर नेशन के साथ। नमस्कार।